हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए आज लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे चर्चा करने वाला हूं। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लक्स इंडस्ट्रीज .com वेबसाइट का नाम है। लक्स इंडस्ट्रीज का कहना है, अग्रणी भारतीय इनर वियर ब्रांड लक्स में हम लगातार अपने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने और ग्राहक अनुभव को समृद्ध करने का प्रयास करते हैं। गुणवत्ता पर हमारे निरंतर ध्यान ने हमें अपने विविध उत्पाद खंडों में अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन करने में मदद की है। गुणवत्ता की यह ताकत हमें अपने ग्राहक के लिए पसंदीदा ब्रांड बनाती है। हमारी क्षमताएं और वितरण नेटवर्क उन क्षेत्रों में सबसे बड़े होजरी निर्माता के रूप में उभरने की हमारी महत्वाकांक्षा को पूरा करता है। जहां हम मौजूद हैं, पूरे भारत में फैली 11 से अधिक विनिर्माण सुविधाओं से हमारी विनिर्माण क्षमता प्रतिदिन 1.2 मिलियन परिधान है। लक्स की शुरुआत साल 1957 में हर आम आदमी के ब्रांड के रूप में हुई और आज भी यह हर वर्ग के ग्राहकों की पहली पसंद बना हुआ है। 60 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ हम भारत के सबसे बड़े होजरी निर्माताओं में से है। हम 10 प्रमुख ब्रांडों के तहत 100 से अधिक उत्पादों का उत्पादन करते हैं, जिनमें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए इनर वियर की पूरी श्रृंखला शामिल है। भारत में 0.5 मिलियन से अधिक खुदरा विक्रेताओं और विभिन्न देशों में उपस्थिति के साथ हम दुनिया भर में अग्रणी भारतीय इनर वियर ब्रांड है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमारे उत्पाद लक्स इंडस्ट्रीज केवल बुनियादी अंडरवियर के बारे में नहीं, हम विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाते हैं। पुरुषों के लिए उत्पाद, महिलाओं के लिए उत्पाद, बच्चों के लिए उत्पाद। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, बॉक्सर, बटन बॉक्सर, टोपी वाला स्वेटर, संक्षिप्त पुरुषों की बनियान, पोलो की टी शर्ट, ट्रैक पैंट, फुल स्लीव क्रू नेक, बटन टी शर्ट RN, फ्रेंच कट ब्रीफ, प्रीमियम चूड़ीदार सिल्क, जांघिया, कापरी, रेसर वापस, प्लाजो मैदान, टी शर्ट गोल गर्दन मुद्रित, नीकर टी शर्ट ब्रा, करिश्मा, पैंटी सादा, पैंटी CH। इस तरीके से देख सकते हैं, अधिक उत्पादन ये कंपनी करती है, अनेकों तरह का उत्पादन। इनका कहना है, हमारे प्रमाण पत्र लक्स इंडस्ट्रीज उत्पादन और गुणवत्ता दोनों के मामले में लगातार आगे बढ़ रही है। हमारे प्रयासों को औद्योगिक रूप से प्रशंसित प्रमाणीकरण के माध्यम से मान्यता दी गई है। स्टार एक्सपोर्ट हाउस, दूसरा है ISO 9001:2015। लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मुख्य व्यावसायिक कार्यालय PS रीजन टेक पार्क DN 52, साल्ट लेक सिटी, Sector V, कोलकाता 700091, पश्चिम बंगाल, भारत। फ़ोन नंबर जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, मेल भी दिख रहा होगा। अब थोड़ा नज़र डालते हैं इसके शेयर प्राइस से संबंधित बातों पर। BSEIndia.com वेबसाइट का नाम है। लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ₹1178.05, 52 वीक का हाई ₹1720.80 और लो ₹1072.05 है। इसमें अनाउंसमेंट 8/4/2024 का ही है, उसके बाद में कोई भी अपडेट न्यूज़ नहीं है।
कंप्लायंस सर्टिफिकेट अंडर रिगार्डिंग 74(5) ऑफ CVDP रेगुलेशन 2018। इस तरीके का न्यूज है। दूसरा है 8/4/2024 का ही, सर्टिफिकेट अंडर रेगुलेशन 7(3) ऑफ SEBI लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2015। ये दो अपडेट न्यूज है जिसको कि कवर करेंगे थोड़ा सा आगे। कॉर्पोरेट एक्शन में फाइनल डिविडेंड 5 रुपया 22/9/2023 को, और बल्क डीलिंग कुछ भी नहीं पिछले ट्रेडिंग डे में, और रिजल्ट इसमें काफ़ी अच्छा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसा कि प्रमोटर के पास में 74.19% है, पब्लिक के पास में 25.81% है, टोटल 100% मार्च 2024 के अनुसार। सर डिलीवरी पोजीशन देखेंगे, ट्रेड डेट 12/4/2024 यानी कि आज का है 1600 बजे। क्वांटिटी ट्रेडेड 7148, डिलीवरी क्वांटिटी 4359, परसेंटेज रहा 60.98, लगभग 61% का डिलीवरी पोजीशन रहा इस शेयर में आज के दिन में। आगे देखते हैं NSEIndia.com वेबसाइट का नाम है लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका कि शेयर प्राइस है 1179.50। अभी भी इसमें 8 क्वांटिटी का बाई ऑर्डर लगा हुआ है 1178.05 पे। अब थोड़ा इसके मुख्य डाटा को देखेंगे, जैसा कि आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा screener.in। लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1178 रुपया शेयर प्राइस है, जिसका कि मार्केट कैप 3542 करोड़ का है। करेंट प्राइस 1178 रुपया, बुक वैल्यू 496 रुपया, अपने बुक वैल्यू से दोगुना से ऊपर में ट्रेड कर रही है ये शेयर। 52 वीक का हाई लो 1721 रुपया और 1072 रुपया। स्टॉक पी 35.3 और डिविडेंड यील्ड 0.42%, ROC 12.7%, ROE 9.97%, फेस वैल्यू 2 रुपया, रिटर्न ओवर 5 ईयर्स का माइनस में है 3.05%, और 3 ईयर्स का अगर देखते हैं तो वो भी माइनस में है 15.2% का। ROE 3 ईयर 21.8% का, रिटर्न ओवर 1 ईयर का देखते हैं तो वो भी माइनस में है 3.05%, और प्रॉफिट बार 5 ईयर्स अगर देखते हैं तो 12% का है, काफ़ी अच्छा है। PEG रेशियो 2.93 का है, इंटरप्राइजेज वैल्यू 3759 करोड़ का, प्राइस टू सेल्स 1.53। इसका 1 ईयर का प्राइस चार्ट देखने से ऐसा लग रहा है कि अब कुछ समय के लिए हो सकता है ये कंसोलिडेट करेगा मेरे आइडिया अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार ही करें दोस्तों, मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली नॉलेज पर्पस। यहाँ पर एक बात देखने को है कि इस शेयर में कौनस कुछ भी नहीं है, स्क्रीनर के द्वारा जो दिखाया गया है कौनस कुछ भी नहीं, यानी कि दोष कुछ भी नहीं। प्रोज एक है जो कि कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेब्ट, यानी कि ये अपने कर्ज को रिड्यूस कर रही है, यानी कि ये कर्ज मुक्त हो रही है धीरे धीरे। पीयर कंपैरिजन के मामले में लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1 कंपनी है इस क्षेत्र में, यानी कि टेक्सटाइल्स सेक्टर में। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं 2023 का, तो 447 करोड़ का सेल्स किया,
जो कि सितंबर 2023 के अपेक्षा कम रहा सेल्स, और एक्सपेंस उसी के अनुसार 413 करोड़ का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 34 करोड़ का है जो कि सितंबर 2023 के अपेक्षा कम है, और अदर इनकम 3 करोड़ का जबकि सितंबर 2023 में 4 करोड़ का था। इंटरेस्ट दोनों क्वार्टर में सेम है 5-5 करोड़ का, और डिप्रिसिएशन भी दोनों क्वार्टर में सेम है 6-6 करोड़ का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 26 करोड़ का है जो कि पिछले क्वार्टर में 48 करोड़ का हुआ था, और नेट प्रॉफिट 19 करोड़ का जो कि पिछले क्वार्टर में 36 करोड़ का था, लगभग दोगुना था, यानी कि 50% लगभग कम हुआ है, 50% से कम ही कम हुआ है, और जिसके वजह से EPS 6.72 रुपया। प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट 12 मंथ का अगर देखते हैं तो सेल्स है 2322 करोड़ का, एक्सपेंस है 2162 करोड़ का। ओवरऑल टोटल देखते हैं तो नेट प्रॉफिट इसके पास में 100 करोड़ का, और जिसकी वजह से अर्निंग पर शेयर 34.98 रुपया। थोड़ा सा इस शेयर में बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं। सितंबर 2023 के अनुसार इक्विटी कैपिटल 6 करोड़ का है जबकि रिजर्व इसके पास में 1484 करोड़ का है, ब्रोइंग मात्र 236 करोड़ का है, अदर लाइबिलिटीज 444 करोड़ का है, टोटल लाइबिलिटीज 2170 करोड़ का। फिक्स एसेट भी इसके पास में है जो कि मार्च 2023 में भी सेम है 288 करोड़ का। इन्वेस्टमेंट जो कि 145 करोड़ का हो चुका है, इससे पहले 103 करोड़ का था। टोटल एसेट में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, फिर भी अच्छा है, 2119 करोड़ से बढ़कर के 2170 करोड़ का हो चुका है टोटल एसेट। मार्च 2023 का कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो माइनस में है 25 करोड़ का। यहाँ पर थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा विस्तार पूर्वक रहता है। प्रमोटर के पास में 74.19% है, और FIs के पास में 0.95% है, DIs के पास में 6.94% है। DIs ने अपना शेयर होल्डिंग को घटाया है, और पब्लिक के पास में जहाँ पर सितंबर 2023 में 16.05% का था, वो बढ़ करके दिसंबर 2023 में 17.91% हो गया था। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो कि 95,237 है, इन्वेस्टरों की संख्या 95,237 है जो कि सितंबर 2023 में इससे कम था जो कि 92,883 था। मार्च 2021 में 14,750 ही था जो कि काफ़ी अच्छा इस शेयर के प्रति इन्वेस्टरों का रुझान बढ़ा है। अब थोड़ा ध्यान देते हैं इसके न्यूज पर, न्यूज जो कि 8 अप्रैल का ही है, दो है उसमें से पहला को थोड़ा देखते हैं। न्यूज क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट सर्टिफिकेट अंडर रेगुलेशन 74(5) ऑफ सेबी डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशंस 2018 फॉर द क्वार्टर इंडेड ऑन 31st March 2024। प्लीज फाइंड इनक्लोज हेयर विथ अ सर्टिफिकेट अंडर रेगुलेशन 74(5) ऑफ सेबी डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशन 2018 फॉर द क्वार्टर इंडेड 31st March 2024 रिसीव्ड फ्रॉम के फिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट RNTA ऑफ द कंपनी थैंकिंग यू। ट्रांस को समझते हैं जैसा कि ट्रांसलेट किया हुआ है, कृपया 15 मार्च 2024 को समाप्त, यानी कि इसको पढ़ा जाए 31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट RNTA केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से प्राप्त सेबी डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट विनियम 2018 के विनियमन 74(5) के तहत
एक प्रमाण पत्र संलग्न करें। अब देखते हैं के फिनटेक सब्जेक्ट क्या है। कॉन्फर्मेशन सर्टिफिकेट अंडर रेगुलेशन 74(5) ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशंस 2018 रेगुलेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। डियर सर मैडम, विथ रेफरेंस टू द एबव कैप्शनड रेगुलेशंस वी हेयर बाई कन्फर्म दैट ड्यूरिंग द पीरियड 1st January 2024 टू 31st March 2024 वी हैव विथिन 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम डीमटेरियलाइजेशंस। इसका मतलब ट्रांसलेट है हिंदी में, हम इसके द्वारा पुष्टि करते हैं कि 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 के अवधि के दौरान हमारे पास डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से डीमटेरियलाइजेशन के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर है। क्या क्या है वो जरा देख लेते हैं। पहला पॉइंट, कन्फर्म अप्रूव्ड रिजेक्टेड डीमैट रिक्वेस्ट। दूसरा पॉइंट, कन्फर्म टू द डिपॉजिटरीज दैट सिक्योरिटीज कंप्राइज्ड इन द सेड सर्टिफिकेट हैव बीन लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज वेयर द ईयरलियर इशूड सिक्योरिटीज आर लिस्टेड। थर्ड पॉइंट, इमीडिएटली mutilated and cancelled the said security certificate after due verification। And चौथा पॉइंट है, name of the depositories have been substituted in register of members as the registered owner in case of demat requests which are approved। Further we have been certifying the same to the depositories and stock exchange in accordance with regulations। Thanking you। अब इन चारों का हिंदी ट्रांसलेट देखते हैं। पुष्टिकृत, अनुमोदित, अस्वीकृत, डीमेट अनुरोध। दूसरा का हिंदी ट्रांसलेट, डिपॉजिटरी को पुष्टि की गई है कि उक्त प्रमाण पत्रों में शामिल प्रतिभूतियों को स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध किया गया है जहां पहले जारी की गई प्रतिभूतियां सूचीबद्ध है। तीसरा, उचित सत्यापन के बाद उक्त सुरक्षा प्रमाण पत्रों को तुरंत विकृत और रद्द कर दिया गया। और चार नंबर, स्वीकृत डीमैट अनुरोधों के मामले में डिपॉजिटरी का नाम सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत मालिक के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। इसके अलावा हम विनियमों के अनुसार डिपॉजिटरी और स्टॉक एक्सचेंजों को इसे प्रमाणित कर रहे हैं। पहला में ये सारी बातें को दर्शाया गया है। और दूसरा है 8 अप्रैल का ही, जो कि सर्टिफिकेट अंडर रेगुलेशन 73 ऑफ सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस 2015, जो कि 8 अप्रैल का ही है। दूसरा में क्या दिया गया है, इनक्लोज प्लीज फाइंड हेयर विथ अ सर्टिफिकेट अंडर रेगुलेशन 73 ऑफ सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस 2015 फॉर द पीरियड 1/4/2023 टू 31/3/2024 डली साइनड बाई बोथ कंप्लाइंस ऑफिसर एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। थैंकिंग यू। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है हिंदी ट्रांसलेट, कृपया 1/4/2023 से 31/3/2024 की अवधि के लिए सेबी लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता है विनियम 2015 के विनियमन 7(3) के तहत अनुपालन अधिकारी और शेयर ट्रांसफर एजेंट दोनों द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र संलग्न करें। यानी कि संलग्न करने के लिए ये स्टॉक एक्सचेंज को कह रहा है ये कंपनी, यानी कि लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और स्टॉक एक्सचेंज
कि पूरी कार्रवाई एक तरह से समझिए तो जांच पड़ताल कौन करता है, तो सेबी, यानी कि ये सेबी को ही कह रहा है। टू होम माई कंसर्न, कंप्लायंस सर्टिफिकेट अंडर रेगुलेशन 73 ऑफ सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस 2015 फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/4/2023 टू 31/3/2024। जैसा कि इस पेज पर बताया गया है, उसका हिंदी ट्रांसलेट है, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों शेयर ट्रांसफर सुविधाओं के संबंध में सभी गतिविधियों का अनुपालन केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जिसे कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के रूप में नियुक्त किया जाता है। यह प्रमाण पत्र सेबी सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता विनियम 2015 के प्रावधान के विनियमन 7(3) के अनुपालन में जारी किया गया है। कंप्लायंस सर्टिफिकेट फर्दर सर्टिफाइड दैट केफिन, यानी कि केफिन के द्वारा सर्टिफाइड किया गया है, वो सर्टिफिकेट है। इसमें क्या क्या है जो कि विस्तार से आप देख सकते हैं इसको। पहला है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा जारी सेबी पंजीकरण संख्या इतना के माध्यम से श्रेणी रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के रूप में अपेक्षित प्रमाण पत्र धारण करता है और जारी रखता है। दूसरा है नियमों के अनुसार भौतिक शेयर हस्तांतरण सुविधा के संबंध में सभी गतिविधियों को संभालना और कंपनी के संबंध में भौतिक रूप से सभी लेन देन के लिए संबंधित दस्तावेजों पत्राचार को बनाए रखना, ये सब केफिन का कार्य है। डिपॉजिटरी से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक रूप डीमैट में शेयर रखने वाले निवेशकों के संबंध में डेटा बनाए रखना, ये भी कार्य है केफिन का। किस नियम के अनुसार? तो कंप्लायंस ऑफ रेगुलेशन 73 ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2015 के आधार पे। अभी तक का सब चीज़ देखने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं है। बाकी मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार सूझबूझ के अनुसार ही करें दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए शेयर को लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।